संसद के दोनों ही सदनों में दिखेगा शक्ति प्रदर्शन। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव तो राज्यसभा में दिल्ली विधेयक पर वोटिंग। राज्यसभा में एनडीए और विपक्ष दोनों की ताकत दिख रही है बराबर। संसद का अगला सप्ताह बेहद खास होने वाला है क्योंकि दोनों ही सदनों में वोटिंग होनी है। मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा है, खासतौर पर राज्यसभा में जहां एनडीए बहुमत में नहीं है तो दूसरी ओर लोकसभा में पार्टी का बहुमत तो है लेकिन यहां विपक्ष का सरकार गिराने का नहीं बल्कि पीएम मोदी से मणिपुर पर बयान दिलाने का है। विपक्ष के नेता दावा कर रहे हैं कि हम लोग पीएम मोदी को संसद में ला पाए यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी और मणिपुर पर पीएम के मुंह से बयान दिला पाए ये तो बोनस का काम करेगा क्योंकि लगभग 3 महीने से मणिपुर के हालात बेकाबू हैं लेकिन पीएम मोदी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। विपक्ष सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है लेकिन पीएम सदन में आने को तैयार ही नहीं है, इसलिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। अविश्वास प्रस्ताव में दिन भर चर्चा होती है, चर्चा 2 दिन तक भी चलती है और बाद में पीएम जवाब देते हैं क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव उनके प्रति ही आता है और बाद में वोटिंग कराई जाती है। दूसरी ओर राज्यसभा में मामला अलग है। सोमवार को दिल्ली विधेयक सरकार पेश कर रही है, मोदी कैबिनेट इसे मंजूरी दे चुका है। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिल्ली सरकार को दिए थे। इस विधेयक से कोर्ट का फैसला पलट दिया जाएगा और सारे अधिकार एक बार फिर एलजी के पास आ जाएंगे। लोकसभा में तो केंद्र के पास स्पष्ट बहुमत है, ऐसे में इस विधेयक पर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी एनडीए की असल परीक्षा राज्यसभा में ही होनी है। एनडीए का यहां बहुमत नहीं है, राज्यसभा में एनडीए के 101 सदस्य हैं तो इंडिया गठबंधन सदस्यों की संख्या 100 है यानी मुकाबला बराबरी का है। ऐसे में सरकार को ऐसे दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा जो अभी दोनों ही गठबंधन से दूरी दिखा रहे हैं। इस समय राज्यसभा का खेल 28 सदस्य बना और बिगाड़ सकते हैं। किसी भी गठबंधन में शामिल दलों के 28 सदस्य हैं, 5 सदस्य नामित श्रेणी में जबकि 3 निर्दलीय हैं। किसी भी गठबंधन का हिस्सा ना होने वाले दलों के 28 सदस्यों में से भारत राज समिति के 7 सदस्यों के विपक्षी खेमे के साथ मतदान करने की उम्मीद है क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बीआरएस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो सरकार के खिलाफ वोट देगा। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के 9 सदस्य हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन इस महत्वपूर्ण विधेयक के लिए उनके समर्थन की उम्मीद करता है। सदन में बीएसपी जेडीएस और टीडीपी के 1-1 सदस्य हैं और वे किस तरह मतदान करेंगे इस पर सभी की नजरें रहेंगी। सरकार को बीजेपी वाईएसआर कांग्रेस निर्दलीय और मनोनीत सांसदों से समर्थन की उम्मीद दिखाई दे रही है। मनोनीत सांसद तो सरकार के साथ जाएंगे तय माना जा रहा है, निर्दलीयों में भी बंटवारा है। ऐसे में वाईएसआर सीपी और बीजेपी जिधर जाएंगे बहुमत उधर ही चला जाएगा। बीजेपी की कोशिश है कि ये दोनों दल सदन में उसके साथ आ जाएं और अगर दिल्ली विधेयक पर सरकार के पक्ष में मतदान भी करते हैं तो कम से कम विपक्ष में वोट न डालें, वोटिंग का बहिष्कार कर जाएं। दोनों ही परिस्थितियों में एनडीए को विधेयक पास कराने में आसानी हो जाएगी क्योंकि तब मनोनीत सदस्यों के सहारे ही उसकी नैया पार लग जाएगी। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस प्रमुख एचडी देवगौड़ा से मुलाकात की और दिल्ली को लेकर लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में उनसे समर्थन की अपील की। जेडीएस का राज्यसभा में सिर्फ 1 सदस्य है, यही हाल टीडीपी और बीएसपी का भी है। जबकि जब मुकाबला बेहद कांटे का होता है तो एक एक वोट की कीमत हो जाती है। एक वोट की कीमत 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी सामने आई थी क्योंकि उनकी सरकार एक वोट से ही गिर गई थी। वैसे राज्यसभा में अगर विधेयक गिर भी जाता है तो मोदी सरकार बनी रहेगी लेकिन ये सरकार की नैतिक हार के रूप में जरूर देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्पण न्यूज।